हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है धनतेरस और हम निकले हैं बद्दी में शॉपिंग करने, तो आपको भी दिखाते हैं कि बद्दी कितना खूबसूरत लग रहा है लाइट्स के साथ। यह है विशाल मेगा मार्ट और सभी ने यहाँ से भी शॉपिंग की होगी जो यहाँ पे बद्दी में रहते हैं। यहाँ के लोगों ने घरों को इतना सुंदर डेकोरेट किया था ना, एकदम दुल्हन की तरह। आप देख सकते हो मेरी वीडियोस में कि कितने सुंदर लग रहे हैं ये घर लाइट्स के साथ। और दिन भी मार्केट जाने का बहुत अच्छा लगता है, पर जिस दिन जैसे दिवाली होती है उसे एक दो दिन पहले ही या फिर हफ्ते पहले ही लोग अपने घरों में लाइट्स लगा लेते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब दिवाली वाले दिन सारे घरों में लाइट्स जलती है और पूरा घर जगमग कर देते हैं लोग। वैसे ही बद्दी में भी सभी लोगों ने अपने अपने घरों में लाइट्स जला दी थी और मार्केट बहुत ही सुंदर लग रही थी। हम निकले थे शॉपिंग करने। शॉपिंग में हमें लाइट्स चाहिए थी ऐसी ही बिल्कुल, ताकि हमारा घर भी कुछ इस तरह से दिखे। मुझे रंगोली के लिए कलर्स लेने थे, दीपक लेने थे, और जैसे कि आज धनतेरस है तो धनतेरस में आज कोई ना कोई बर्तन तो लेना बनता ही है। हम पहुंच गए हैं बिग बाज़ार। हमने सोचा कि बिग बाज़ार में भी देख के आते हैं कि क्या पता हमें कुछ सामान मिल जाए यहाँ पे। तो अब हम बिग बाज़ार आए हैं। ये है बद्दी का बिग बाज़ार, आप देख सकते हो। बिग बाज़ार में भी बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स देखने को मिल रही थी। बहुत अच्छे से बिग बाज़ार को डेकोरेट किया गया था। दिवाली में शॉपिंग करने का अपना अलग ही मज़ा है, और इतनी अच्छी जगमग लाइट्स देखने को मिलती है ना, दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी अच्छी शॉप्स को डेकोरेट किया गया है। मेरे हस्बैंड जब भी मार्केट जाते हैं, चाहे कुछ ना ले बट पेन ज़रूर देखते हैं। इनको पेन ख़रीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये पेन ज़रूर देखते हैं, तो मुझे पता था कि ये पेन ज़रूर देखेंगे। फाइनली मुझे एक शॉप मिली जहाँ पे मुझे रंगोली के लिए कलर्स मिल गए हैं, तो मैंने ये कलर्स लिए रंगोली के लिए। मुझे पता नहीं है कि मुझे कैसी रंगोली बनानी है, बट मैंने सारे कलर्स ले लिए हैं। पूरी मार्केट घूमने के बाद हमें थोड़ी सी भूख लग गई है, तो हम लापिनाजो आए हैं और हम पिज़्ज़ा खाएंगे, उसके बाद जो शॉपिंग बची है वो कंटिन्यू करेंगे। पिज़्ज़ा खाने के बाद हमने लाइट्स ली, और लाइट्स लेने के बाद हमने बर्तन लिए। हमने एक पतीला लिया बर्तन की शॉप से। ये वीडियो है अगले दिन की, जिस दिन छोटी दिवाली थी,
उस दिन हमने लाइट्स लगाना स्टार्ट किया था और इतनी मेहनत करके इन्होंने लाइट्स लगाई थी। पहले मेरा प्लान था कि मैं घर चले जाती हूँ दिवाली के लिए, बट मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी तो मैं नहीं गई, क्योंकि दिवाली वाले दिन इनको भी यहाँ पे अकेला ही फील होना था। तो मैं हूँ तो ये दिवाली मना पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो शायद ये दिवाली नहीं मना पाते। मुझे इनको खुश देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि डेकोरेशन का इनको भी बहुत ज़्यादा शौक है। इन्होंने ये लाइट्स वगैरह चूज़ की कि हमें ये वाली लाइट्स लानी है और हम भी अपने घर में लगाएंगे लाइट्स। तो मुझे अच्छा लगा अपना प्लान कैंसिल करके। हम लाइट्स ले तो आए बट इनको लगाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उलझ रही थी हमसे। तो हमने सोचा पहले तो इसे अच्छे से अंदर जाके सुलझा लेते हैं, फिर बाहर लाएंगे। फिर हम इन लाइट्स को अंदर ले आए। पहले तो हमने अच्छे से इनको सुलझा लिया और हमने डिसाइड कर लिया कि हमको कैसे कैसे लगानी है इन लाइट्स को। फिर इनको अच्छे से अरेंज करके हम इनको बाहर लेके गए। ना वो जानते थे पर मैं नहीं जानता। मैं तो क्रिसमस हम तो मैंने वैसे तो मैंने कहा तो आखिर ये मेरी लड़की है। अरे क्या बोल रहे हैं मगर क्रिसमस क्या बोल रही है तब उन्होंने सोचे वो मैंने कहा मैं तो कुर्बान पर आपकी तरह वो हो तो तुम आप बोले नहीं नहीं मां फिर मैंने बुरा ना लगा वो गलती हो गई बोले नहीं नहीं आप ना जानो मुझे तो पता है। ज्यादा नहीं डाल दिया वो साथ में लड़की चली तो मैं पूछ लिए नहीं तो मैं क्रिसमस समझ गया। फिर जब मैंने कृष्णा बोला तो मेरे यहाँ तब फिर बात की अरे तो मेरी लड़की आप ना मान लो। मैंने कहा बेटे क्या फिर मैंने देखा कि डरा अरे तो लेट हो गया बॉडी मार बहन जी को मेरे बहुत ही बोली है ना बहन जी मेरी बहन बहुत मैं भी ऐसा ही होता था पढ़ा ना। ये अंकल मेरे पड़ोस में रहते हैं और हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों की तरह। ये हमें बता रहे थे कि इनको मुझ जैसी एक लड़की मिल गई होगी और इनको गलती से ऐसा लगा कि ये करिश्मा है। तो ये वही स्टोरी सुना रहे थे, आपको समझ आ ही रहा होगा। हमें इनसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इनकी बातें सुनना इनसे बातें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें जब भी हमें मिलते हैं तो हमसे बातें करने ज़रूर खड़े हो जाते हैं और जब भी हम नहीं मिलते हैं तो ये हमसे मिलने ज़रूर आते हैं। इतने स्ट्रगल के बाद हमारी लाइट्स भी लग गई है, देखो हमारी कितनी अच्छी ये लाइट्स लग रही है।
बाहर से भी आपको दिखाएंगे कि ये कैसी लग रही है। उसके बाद मैंने पूजा की, भगवान जी को भोग लगाया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब दीपक जला लेती हूँ, टाइम भी हो गया है, तो कुछ दीपक आज जला लेती हूँ, कुछ मैं कल के लिए लाई हूँ। मैंने दीपक जला दिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन लाइट्स के साथ। आपको भी दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा घर इन लाइट्स के साथ। तो कुछ इस तरह से लग रहा है हमारा घर। दीपक वगैरह जला के अपना घर एकदम सजा के हम गए मार्केट, और हमने स्वीट्स नहीं ली थी और ना ही हमने फुलझड़ी ली थी, ना अनार लिए थे, क्योंकि आज छोटी दिवाली है तो थोड़े बहुत पटाखे चलाने तो बनते ही है। इतने ज़्यादा पटाखे चलाने का तो शौक़ तो नहीं है हमें, बट हम अनार और फुलझड़ी तो चला ही सकते हैं, तो ज़्यादातर हम यही ज़्यादा चलाते हैं, फुलझड़ी और अनार। तो यही था मेरा धनतेरस और छोटी दिवाली का व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, जिसमें मैंने रंगोली भी बनाई है और पूरा डेकोरेशन भी बताऊँगी अपने घर का, मैंने क्या क्या किया दिवाली वाले दिन। तो जल्दी ही मैं अपना एक व्लॉग लेके आऊँगी।